Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that autosomal recessive pedigree analysis. Okay, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेसेसिव के बारे में, यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है. ओके, तो उसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं. तो दिस टाइप ऑफ जीनेटिक डिसऑर्डर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ एंड मेल और फीमेल, राइट. देन आफ्टर इन सम केसेस दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज एब्सेंट इन जनरेशन. ऐसा नहीं है कि सभी जनरेशन के सभी बच्चों में ये जो डिसऑर्डर है वो दिखने को मिलेगा. ओके, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है, ओके, वो ऐसा भी हो सकता है कि जनरेशन में ना भी दिखे. देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज दैट अफेक्टेड चिल्ड्रन बॉर्न बाय नॉर्मल पेरेंट्स. ये कैरेक्टर जो है वो आपको याद रखना है माइंड में. ओके, ऐसा है कि अफेक्टेड चिल्ड्रन, ओके, यानी कि कोई भी डिसऑर्डर ले लो उसे वो अफेक्टेड है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल है. ओके, उसके पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है, फिर भी उसके चाइल्ड में ये दिखने को मिल रहा है. ओके, यानी कि वो चिल्ड्रन कैसा होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा. ओके, क्या होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा. ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज दैट इफ टू पेरेंट्स, यानी कि फादर और मदर, बोथ आर हिट्रोजाइगस द रेशियो ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन मे बी 1:4. 1:4 का रेशियो रहेगा. ओके, कि फोर चिल्ड्रन है उनमें से 1 चिल्ड्रन जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा. ओके, ये ऑटोसोमल रेसेसिव जीन जो है वो उनमें से किस डिसऑर्डर्स में देखा गया है, उसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें. बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीनेटिक डिसऑर्डर्स इज दैट अल्बिनिज्म. क्या है, अल्बिनिज्म. यहाँ पर मैंने आपको वन वर्ड लिखा है जिसका नाम है म्यूटेंट जीन. म्यूटेंट जीन यानी कि जीन के सीक्वेंस में क्या हुआ है, जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो गया है, सो दैट जीन इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट म्यूटेंट जीन. ओके, द म्यूटेंट जीन जो है वो इस टाइप के डिसऑर्डर्स पैदा करता है, अल्बिनिज्म. ये अल्बिनिज्म क्या है, तो ये अल्बिनिज्म वन टाइप ऑफ दैट डिसऑर्डर है जो स्कीन डिसऑर्डर कहलाता है. क्या है, स्कीन डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि जो मेलेनोसाइट्स यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ, मेलेनोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स स्किन के डर्मल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, और वो पैदा करते हैं क्या, मेलेनिन. ओके, वो पैदा करते हैं मेलेनिन एज अ पिगमेंट के रूप में. अगर वो पिगमेंट के रूप में मेलेनिन जो है वो पैदा करना बंद कर दे तो उस डिसऑर्डर को कहा जाता है अल्बिनिज्म. ओके, तो इस अल्बिनिज्म के थ्रू कैसा पेडिग्री डायग्राम बनेगा, कैसा पेडिग्री एनालिसिस होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं. देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट ये फैमिली है और ये है सेकंड फैमिली. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कैरेक्टर अगर हो, सर्कल है और उसके अंदर डॉट है, तो उसे कहा जाता है करियर. और ये है क्या, करियर फीमेल. ओके, फीमेल क्या है, करियर है, को ये अल्बिनिज्म की. ओके, और ये है नॉर्मल मेल. उनके जो चिल्ड्रंस हैं उसमें से वन जो है वो क्या हो गया, करियर हो गया. क्या हो गया, करियर. यानी कि क्या होता है, इस डिसऑर्डर्स में हम बात करें तो
क्रोमोसोम की जो पैटर्न है यहाँ पर ऑटोसोम में ये देखा गया है, ओके ऑटोसोम में है, यानी कि हम बात करें कि ये एक्स हैं तो उसमें कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल ए जो है वो क्या है, रेसेसिव है, ओके यानी कि अगर कैपिटल ए जो प्रेजेंट है तो आल्बिनिज्म नहीं होगा, लेकिन स्मॉल ए ऐसा होमोजाइगस रेसेसिव जीन अगर आ गया तो आल्बिनिज्म जो है वो पर्सन में शो करेगा, ओके देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा कि ये सेकंड फैमिली है उसमें भी मेल फीमेल जो है वो करियर है आल्बिनिज्म की, उसके भी जो चिल्ड्रंस है उनमें से जो उसकी डॉटर है वो आल्बिनिज्म की करियर है। बाय द चांस करियर मेल और करियर फीमेल दोनों एक हो गए, देन आफ्टर उसके जो चिल्ड्रंस है आप देख सकते हैं कि 50% चिल्ड्रंस में क्या देखा गया है, 50% चिल्ड्रंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% चिल्ड्रन ये, मैं इसकी बात कर रही हूँ जस्ट अ मिनट इसकी, ओके तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ग्रुप होगा, ओके इसमें भी ऐसा ही कुछ ग्रुप होगा, यहाँ पर हम माइंड में रखा गया कि यहाँ पर हम बात करें ऑटोसोम्स की, ओके तो मेल में भी एक्सएक्स होगा, ओके ऑटोसोम्स में। देन आफ्टर दिस वन ये डॉटर है तो डॉटर का यानी कि फादर का ये एक्से और मदर का एक्से दोनों जो है वो कंबाइन होकर डॉटर में आता है और डॉटर क्या हो जाती है, आल्बिनिज्म से सफ़र हो जाती है, ओके पूरी तरह से वो क्या हो जाती है, आल्बिनिज्म युक्त हो जाती है और उसका जो मैरिज है वो अफेक्टेड या फिर करियर मेल से होता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके सभी चिल्ड्रंस जो हैं उनमें से 75% जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, आल्बिनिज्म से क्या हो गए हैं, अफेक्टेड हो गए हैं और दो जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, करियर है, ओके तो इस डिसऑर्डर्स में आप देख सकते हो कि अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, पास आउट होगा, ओके यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर बाय चांस होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स मिल गया पेरेंट्स के थ्रू तो ही वो चिल्ड्रंस में शो करेगा, ओके तो ये था आल्बिनिज्म कि आल्बिनिज्म कैसे होता है, उसका पेडिग्री चार्ट ये है, ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर एज अ एक्स लिंक्ड पेडिग्री चार्ट, ओके यानी कि एक्स क्रोमोसोम से कोई भी डोमिनेंट जीन जो है वो क्या हो गया है, अटैच हो गया है, वो आगे चलकर जनरेशन में कैसे शो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके